नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डैशबोर्ड की क्लासेस में। आज हम आपके साथ एक डैशबोर्ड बनाना जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड कैसा? तो एक डैशबोर्ड सिंपल भी दिख रहा है, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड। तो इस तरह का डैशबोर्ड हम आपके साथ बनाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में पूरा अंत रहे, इसे बहुत चीज सीखने के लिए है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि आज हम इस क्लास में आपके साथ सीखेंगे। सो लाइन पे आप बने रहे। तो आखिर क्या है, चलिए बताता हूं। सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं, जो हमारा डेटा है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे पास बेसिकली एक डेटा क्या चीज का है, या फिर एक डैशबोर्ड क्या चीज का है, जान लीजिए। बेसिकली एक बिल्डिंग की पावर मैनेजमेंट एक टीम है, उनकी एक डैशबोर्ड है जो कि वो देखना चाहते हैं, पावर मैनेजमेंट। जी हाँ, मतलब कि एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके पावर वगैरह का जो मैनेजमेंट है वो है। उनका जो डेटा है कुछ इस तरह से डेटा आया हुआ है। डेट किस डेट को, इसमें डेट कई बार रिपीटेड भी है, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं डेट वाइज तो पता चलेगा। हालांकि ये डेटा सैंपल है, क्योंकि मैं किसी कंपनी की ओरिजिनल डेटा शो नहीं कर सकता, इसलिए देखिए 1 तारीख को कई सारे हैं। तो गैस या इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली जो एनर्जी है का दो सोर्स है, उनके पास गैस और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है। कितना कितना केवी वाट पावर जो है यूज किया गया है, और किस किस अप्लायंस में यूज किया गया है, उसकी कितना पैसा उसमें खर्च हुआ है, और मतलब कि एम्बिशंस क्या है, मतलब कि कार्बन फुटप्रिंट है या फिर ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे देखिए ग्रीन एनर्जी भी दिया गया है। तो कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन एनर्जी दोनों दिया गया है। और उसका किस किस एरिया में यूज हुआ है। अब इसके लिए मुझे डैशबोर्ड तैयार करना है, जिसमें कॉस्ट 3 4 6 सेक्शन होगा। पहला होगा कॉस्ट, दूसरा होगा यहाँ पे चेंज कॉस्ट, ये होगा यूजेज एस्टिमेटेड, और दूसरा हमारा होगा एक्टिव बैलेंस, तीसरा होगा हमारा एनर्जी, और तीसरा होगा हमारा कार्बन फुटप्रिंट एमिशंस में। और हम यहाँ पे 3 एक्सेस, टुडे, मंथली और ईयर लेके चलेंगे, और हम कॉस्ट वाइज भी, अप्लायंस वाइज भी, और यूजेज बाय रूम वाइज और एम्बिशंस वाइज भी अलग अलग चार्ट्स को देखेंगे। तो पहले इस डैशबोर्ड को हम बनाते हैं, फिर अलग अलग देखेंगे। चलिए इस डैशबोर्ड का निर्माण हम करते हैं। डैशबोर्ड तो आप अपने कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। मेरे जो मोबाइल नंबर है, इस पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे डीवीडी या पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। तो पूरा एरिया ग्रीन होना चाहिए ना। सब कलर बोल्ड व्हाइट कर देता हूँ। यहाँ पे 3 बटन बनेगा, मैं बटन बाद में बना, टुडे, मंथ और ईयर, 3 बटन्स बनेंगे यहाँ।
डेवलपर टैब से भी ले सकते हैं बटन्स को। इसी को ले रहा हूँ क्योंकि ये तो भी इंटरनेट से बना हुआ है ना। ऐसा हालांकि ऐसा भी बनाया जा सकता है, जो क्लिक होता है ना, क्लिक भी किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है वो। हालांकि फिर इसके लिए हमें वीवीए मेथड इस्तेमाल करना होगा। चलिए वीवीए मेथड भी इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो इंसर्ट हम करते हैं इसमें, या फिर कोई और क्या है इसमें शायद। ठीक है, और इसमें मैं एक काम और करता हूँ, मैं एडिट पॉइंट्स पे जाता हूँ और थोड़ा सा इसको घीच देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये इस तरह का सब शार्प शार्प है, तो शार्प नहीं हुआ इसमें, लेकिन इसमें किया जा सकता है सर, ऐसा बात नहीं। ये देखिए आपके सामने ये शार्प के लिए मेरे पास एक तो हाँ ये इसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ। और अब इसमें मैं तीन शेप रखता हूं। इसमें आते हैं फॉर्मेट में, नो फिल कर देता हूँ कलर इसका, इसको भी नो फिल, नो नो फिल, इसको भी नो फिल। यहाँ पे मर्ज और इसमें हम देते हैं टुडे।
सही है, सही सही है, ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पे किया, और कैसे वो क्लिक होगा, कैसे होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं, तो ये जरूरत है। अब मैं कहता हूँ कि इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे इस तरह से हो जाए, क्योंकि डेटा हमारा समराइज उसी तरीके से होगा। टुडे मंथ और ईयर, और यहाँ पे हम इसको हम बाद में इसको घेर देंगे। एक नया यहाँ पे मिस डेटा के नाम से बनाता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे मिसलेनियस डेटा आ जाए, यहाँ पे बता दे टुडे हुआ तो आज का डेट आ जाए। अगर वो बाय मंथ करता है तो इस महीने का मंथ आ जाए, अगर ईयर करता है तो इस साल का ईयर आ जाए। तो इसके लिए हम VBA प्रोग्रामिंग लिखे करेंगे। चलिए इंसर्ट मॉड्यूल, और इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, क्योंकि तो मुझे क्लिक चाहिए, तो फंक्शंस हमने इसमें दे दिया रिटर्न आरई के नाम से, और इसमें एन एज ए स्ट्रिंग, एन एज ए स्ट्रिंग, अब यहां पे करते हैं कि इफ आरई इक्वल टू टुडे देन का सी टू, सीट्स सीट डॉट रेंज सी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट, एल्स इनमें हो जाएगा हमारा मंथ, ये साथ होगा तो यहां पे डेट की जगह पे मंथ नेम, मंथ और फिर इसमें हम ईयर का भी कर देते हैं। मंथ का एम बड़ा है क्योंकि इफ जो है केस सेंसिटिव होता है। ऐसा हुआ तो यहां पे यह सिंपल होगा किया, और डेट सिस्टम डेट से कनेक्टेड है इसलिए ऐसा कर रहा। और उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, तो डेटा में आते हैं। ये टुडे जो हमने लिखा है इसके जगह पर हम लगाएंगे हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में आर ई हमारा रेफरेंस है, आर ई का रिटर्न जो है टुडे है, यानी कॉमा ये हमारा टुडे जो है ये हमारे इसमें दिया जाएगा। जैसे इस पर कर्सर ले गया,
फर्स्ट टाइप की क्लिक किया, नहीं तो यहां पे इफ एरर बना देगा, इफ एरर। देखते हैं ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, एवलेट करते हैं इसको एक बार। फॉर्मूला आर ई है ना, सॉरी यहाँ आर ई कर दिया, एन करना चाहिए था शायद, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अब सही है, अब हो जाएगा। आ गया डेट, लेकिन यहाँ पे हम ये कर देते हैं, टुडे कर देते हैं। तो इस पे क्लिक करते ही हमारा डेट आ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि ये हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि तो अगर आप अपने वेब पेज में देखें तो यहाँ हाईलाइट हो जाता है किसी और कलर से। तो उसके लिए हम यहाँ पे कलर जो जो कलर से हाईलाइट करना है, रेंज B5 से B6 इसी फॉर्मूले में दे देता हूँ। यहाँ पे रेंज B5 से B6 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी ब्लू, और ये काम हम नीचे इसमें भी आया करते हैं और इस पे भी आया करते हैं। तो B6 नहीं होगा, ये आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा सी और डी हो जाएगा। तो यहां पे सी और यहां पे डी, डी ये हो गया हमारा। अब यहां पे ब्लू आ गया, अब इसकी वर्क कलर व्हाइट कर दीजिए, सही जाएगा। हाँ, इसकी भी सबके कलर व्हाइट कर दीजिए। अब सेम फॉर्मूला मैं यहां भी लगा देता हूं, यहां पे इक्वल हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में आर ई और आर ई में इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको दे देते हैं और इसमें कर देते हैं मत। एरर आया क्योंकि आर ई रिटर्न कुछ नहीं दिया, एरर दिया इसलिए। तो यहाँ पे इफ एरर और यहाँ पे हम कर देते हैं मंथ कॉमा मंथ मंथ। हाँ, और इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं और यहाँ ईयर में पेस्ट कर देते हैं और जहां मंथ है वहां पे ईयर कर देते हैं। ईयर और यहां भी हम ईयर, तीन जगह ईयर है, तीन जगह ईयर कर देते हैं। तो जैसे मैं इस पे कर्सर रखूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ किया तो ये तो हो जा रहा है, मंथ पे किया तो मंथ पे रही, कलर वा आपका चेंज नहीं हो रहा, कलर जो है कलर जैसा ही रहा है। तो अच्छा ब्लू होगा ई इसमें, तो इसमें आपको
पेस्ट, तीन चीजें यहां पर रखनी पड़ेगी आपको और दो में आपका रेंज ए वन डॉट वैल्यू, वैल्यू मीन डॉट इंटीरियर, डॉट इंटीरियर डॉट कलर। तो बी में कलर आएगा और सी और डी को कलर जो है वापस चेंज कर देगा जैसा था ऐसा। एक छोटे से काम के देखे हमें कितना करना पड़ रहा है, छोटे से काम के लिए हमें इतना करना पड़ रहा है। हाँ इसकी कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक इंटरेक्ट हो, एक अच्छा लगे इसलिए। और इसमें हम कर देंगे बेबी ब्लू, ये हमारा डी हो जाएगा, ये भी हमारा डी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे इस पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो कलर, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर तो कलर चेंज हो रहा है। और जैसे कलर चेंज हो रही है वैसे यहाँ पे मेरा डेटा भी चेंज हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे टुडे किया तो टुडे का डेटा आएगा, इसे मंथ किया तो यहाँ पे अगस्त आएगा, और यहाँ पे ईयर किया डेट आएगा। ईयर में डेट क्यों आया? हाँ बिजली बिजली हमने यहाँ पे इसे चेंज नहीं किया हुआ है, ये किया हुआ तो है। एल्स इफ सी टू, अच्छा डी टू और सी टू सही तो है। एन इक्वल टू ईयर, प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। डाटा डॉट सी टू इक्वल टू ईयर, सही तो है। एन इक्वल टू डे डेट, एन इक्वल टू मंथ तो मंथ नेम एंड डेट ले लिया, और यहाँ else if equal to year then c2 equal to year। तो अच्छा नहीं नहीं ये year ही आ रहा है, year ही आ रहा है लेकिन date format में आ रहा है, ये year ही आ रहा है लेकिन date format में आ रहा है, तो नहीं है और चेंज फॉर्मेट में चेंज किया तो आया। लेकिन इसी चीज को अगर मान लो हमने vb लिया, लेकिन क्या है कि हर किसी को vb तो आता नहीं है, तो कैसे करेगा? तो विदाउट VVA के लिए हम यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रॉल बार, हम स्क्रॉल बार लेते हैं यहाँ से स्क्रॉल बार, और इस स्क्रॉल बार को हम यहाँ से डिजाइन करते हैं।
अब इसकी राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में चला जाता हूँ। फॉर्मेट कंट्रोल में यहाँ 0 नहीं, यहाँ 1 से, क्योंकि मेरे पास 3 नहीं है ना, तो 3 वैल्यू देता हूँ 3। और इंक्रीमेंट सेल जो है वो मिसलेनियस डेटा में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं इसको इसको, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे करूंगा, यहाँ पे देखिए 1 और हमने 2 और यहाँ पे हमारा 3। आज इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड किया मंथ पे, स्लाइड किया ईयर पे, तो इस तरह से इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे 3 आया तो मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता था कि इफ अगर ए इक्वल टू 1 है तो हम यहां पे टुडे का फॉर्मूला शो करेंगे। फिर 1 to 3 है तो इफ लगाए में हम चूज डायरेक्ट लगा लेते हैं, चूज से भी काम हो सकता है, चूज इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, भाई टुडे यहां करना चाहिए कॉमा, फिर टेक्स्ट फॉर्मूला, और टेक्स्ट फॉर्मूला में टुडे, और टुडे के अंदर MMMM आना चाहिए, और तीसरा वैल्यू ईयर के अंदर में टुडे होगा। ये फॉर्मूला लगा लेते, सिंपल सा हो जाता है, बट वही है कि जो इसमें जो ग्राफिकली फीचर है वो ग्राफिकली फीचर नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो स्लाइड किया या स्लाइड किया, इसको स्लाइड करते ही यहाँ पे आप ना स्लाइड कीजिए और आपका डेटा आ जाएगा। अब रहे सर, ये तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला कलरिंग तो नहीं होता ना, फिर होता क्यों नहीं होता? यहाँ पे एक कलर तो नहीं होता, कलर भी हो जाता अगर मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करता न्यूरोस यूज फॉर्मूला और इक्वल टू देता कॉलम का फॉर्मूला, से यहाँ पे ऊपर द्वारा दिखाता हूँ, इक्वल टू कॉलम लगाते, इसमें डिट कॉलम 2 आता, 2 - 1 करता, और इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको रखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला और यहां पे इसको पेस्ट करते हैं एंड बोलते हैं इक्वल टू सी में ए, तो इसकी फॉर्मेटिंग है वो फिल में ब्लू करना है ना, ब्लू होना चाहिए और फॉन्ट व्हाइट होना चाहिए। और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको पेंट कर देते हो जाएगा। हाँ वो ईयर के अकॉर्डिंग ही होगा ना, यहाँ इसके अगर आप देख रहे हैं ना, ये तो पहले से इस पे कर्सर था इसलिए कलर ऐसा है।
तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से भी कर सकते थे बिना इसका यूज किए हुए। अब इसमें अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे यहाँ पे अगर मैं मंथ सेलेक्ट कर टुडे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डेट आता है, मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगस्त आता है, और ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ईयर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में लेता हूँ, एक बड़ा सा एरिया को मर्ज करते हैं, और इस मर्ज में हम मिनिस्ट्री डेटा का इसको सेलेक्ट कर देते हैं, और इस पे राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसके कस्टम पे आते हैं, और कस्टम पे मैं यहाँ करता हूँ डीडीडी, नहीं एमएम होगा, माफ कीजिए, एमएमएम वाई 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 और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड और ऊपर। अब इसमें एक दिक्कत है, ये हो गया, अगर मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो अगस्त आता है, ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो ईयर आता है, ईयर में जुलाई आ गया, तो मंथ में अगस्त, ईयर में डेट, तो डेट ही होना चाहिए, डेट में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, मंथ हो गया मंथ, और ईयर में जब सेलेक्ट किया जाए तो ईयर जो है यहाँ पे ईयर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए नंबर है कॉमेंट, तो इसको कैसे बदला जाए। तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल इसमें किया और बोला कि इक्वल अगर ए ग्रेटर देन 10,000 कर दिया, सॉरी इज ए लेस देन इक्वल टू 2025 कर, 2025 कर देता हूँ, तो नंबर फॉर्मेट में ए जनरल फॉर्मेट होगा। तो अगर मैं मंथ करता हूं तो यहां मंथ आएगा, डेट करता हूं तो डेट आएगा, मंथ डेट, और ईयर करता हूं तो यहां ईयर आएगा। इसका लिंक मैंने इससे नहीं किया है, हमने तो एग्जाम्पल बताया कि ऐसा भी किया जा सकता है, हमें फॉर्मूला कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हमारा काम चल जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने 4 सेगमेंट पे चलते हैं, 6 सेगमेंट। देख लेता हूँ कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसकी कलर में कुछ और कर देता हूँ, और इसको मैं छोटा सा, हमारा इंटरफेस तैयार हो गया।
पहला हमारा यहाँ पे ये तो हो गया हमारा इसका, अब पहला यहाँ पे आता है कॉस्ट प्रेडिक्ट। और ये बोल्ड होगा, सॉरी बोल्ड होगा और कलर व्हाइट होगी इसकी। और कॉस्ट प्रेडिक्ट में आप देखिए यहाँ पे क्या है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी टोटल है, टोटल मॉर्निंग डिनोट चार्ट है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है इसी के अकॉर्डिंग टोटल करेंगे यहाँ पे इक्वल सम इफ अब इसमें अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये आपका ईयर आ गया तो मुझे ईयरली चाहिए, मंथ हो तो मंथली चाहिए, डेट हो तो डेट का चाहिए। यहाँ की कंडीशन देता हूँ कि इफ ए इक्वल टू है टुडे तो सम इफ चलेगा टुडे पे, रेंज डेटा में क्या रेंज, रेंज में हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और डेट हम नहीं सम नहीं सम इफ लगेगा यहाँ पे गैस और यहाँ पे तो यहाँ पे जो है हम सम इफ लगे क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग क्राइटेरिया है जिसका टोटल निकाल के हमें वहां पे शो करना है डैशबोर्ड पे, लेकिन कंडीशन समिफ लगाने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि इस पे डेट हुआ तो इक्वल करेंगे सम इफ, सम इफ में सम डेटा क्योंकि हमें रुपीज करना है तो हमारे डेटा में ये रहा रुपीज, और किसका क्राइटेरिया तो पहली क्राइटेरिया हमने लिया और पहली क्राइटेरिया में हमने डैश यहाँ पे इसमें हमने डेट को पहले क्राइटेरिया डेट होगा तो यहाँ पे टू डे सेलेक्ट कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन हम यहाँ भी कर रहे हैं जब वहां भी डायरेक्ट डैशबोर्ड पीसी बैकएंड में कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और क्राइटेरिया टू में हमने यहाँ पे ले लिया एनर्जी कौन सी है वो हम यहाँ पे मिसलेनियस में गैस इलेक्ट्रिसिटी सर्च कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया। और हम इस पे एक डोनट चार्ट बनाते हैं पाई चार्ट में डोनट चार्ट, और यहां पे टोटल हम देते हैं और यहां पे हम इसके साथ हम कंबाइन करेंगे इस पे राइट क्लिक फॉर्मेट सेल कस्टम नहीं कस्टम नहीं होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे टोटल एंड अब मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको इसमें राइट क्लिक करता हूँ एडिट सेलेक्ट डेटा सेलेक्ट डेटा इस पे जाता हूँ इसके एडिट पे ऊपर का ब्लैंक है इस ब्लैंक में सीरीज होता है टाइटल होता है इसको लेके कर दिया एंड ओके कर दिया तो यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब इसको जरूरी नहीं कि यहाँ दिखाए हम कहीं और भी दिखा सकते हैं
और इसमें राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और इसको फिल नो फिल बॉर्डर नो बॉर्डर करते हैं, और फिर इसको उठाते हैं और इसके बीच में रखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। और ये जो गैस और ये आ रहा है ना, ऐड डेटा लेबल कर दीजिए इस पे, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल, इसमें वैल्यू कैटेगरी नेम कर दिया हमने, और नंबर फॉर्मेट में मैं यहाँ पे कस्टम करता हूँ, कस्टम, और इसमें कोड जो है मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पे कि हैश RS, ये जो देना चाहे आप दे सकते हैं। तो इसकी अलाइनमेंट है, साइज अलाइनमेंट वगैरह, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और डैशबोर्ड में यहाँ पे रखता हूँ। और इसकी टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देता हूँ और इसकी साइज को भी छोटा करता हूँ। और ये जो हमने दिया है गलत था, इस देने की जरूरत नहीं है, और इसको यहाँ पर रखते हैं। अब इसमें साइड में बॉर्डर है, फिल में बॉर्डर नो लाइन, और इसकी जो कलर है इसकी कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, जैसे इसमें क्या है ग्रीन और येलो है, तो इसकी सॉलिड फिल में आता हूँ और इसको जो है येलो करता हूँ। ये बेटर है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा बड़ा हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। हो गया। अब मैं इसको अगर मंथ सेलेक्ट कर, अब चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ अभी टोटल पे लगाया हुआ है। अब इसी में आपको इफ कंडीशन के हिसाब चलना पड़ेगा। अब मुझे एक और सम करना है यहाँ पे, सम सम इफ्स, सम इफ्स, और इसमें हमारा सम रेंज हो जाएगा ये सेम, क्राइटेरिया वन रेंज हो जाएगा ये, और क्राइटेरिया ये वन हो जाएगा हमारा मिसलेनियस में, हमारा गैस है जो भी है मिसलेनियस हो जाएगा, और क्राइटेरिया टू में हमारा डेट हो जाता है। यहाँ पे डेट इन द बिटवीन है क्योंकि मंथ हम ले रहे हैं, और मंथ में हम यहाँ बोलते हैं कि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू
ईओ मंथ, ओ मंथ, ईओ मंथ में हम देते हैं डेट टुडे, टुडे या राइट कॉमा माइनस वन, ये पिछले महीने की लास्ट डेट देगा, ये इस महीने की फर्स्ट डेट हो जाएगी। और फिर हमने बोला कि सेम डेटा में डेट डेट लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और एंड हमने दे दिया ईओ मंथ ईओ मंथ और हमने टुडे और फिर यहाँ पे जीरो इस हमने कहीं पे मिस्टेक की। अच्छा यहाँ पे एंड परसेंट नहीं लगाया हुआ है, एंड परसेंट मैंने लगा दिया। इफ कंडीशन से फिर एक तीसरा जो कि ईयरली है, ईयर के हिसाब से करेगा। तो इसमें भी हम इसी फॉर्मूले को, पूरा फॉर्मूला को लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जहां पे हमने ईओ मंथ ये जो लगाया है ना, यहाँ पे ईओ मंथ नहीं लगे। यहाँ लगेगा डेट, डेट में ईयर हो जाएगा टुडे, या फिर जो भी आप देना चाहो दे सकते हैं। इसमें हम करेंट सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मंथ वन एंड डेट ऑफ ईयर वन। और फिर हमने एंड वाले में भी सेम इसी तरह का चीज किया हुआ है। कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मंथ 12 और डे 31। अब तीनों में से कोई एक होगा, यहाँ पे तीनों को मैं, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला होगा, वो डिपेंड करेगा। यहाँ हमने बोला कि इफ या दैट इज इक्वल टू टुडे, टुडे ऐसा हुआ तो यहाँ सम सम इफ चलेगा, राइट। फिर यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ अगर ए इक्वल टू हुआ टेक्स्ट टुडे और यहाँ पे एम 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 तीन बार एम, तीन बार चार बार एम कर दिया, तो ये आना चाहिए, अदरवाइज ये तो होगा ही होगा। अब इसको, अब सारे फॉर्मूले को एक साथ हम कॉपी पेस्ट करके मार्च कर देते हैं। जहां पे E5 और फिर इसको कॉपी करते हैं और यहां पे और एंटर मारते और फिर इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं। अब डेट डैशबोर्ड पे आएगी। अगर मैं टुडे सेलेक्ट किया तो मेरा डेटा टुडे का, ईयरली सेलेक्ट किया तो ईयरली है, मंथली किया तो मंथली है। टुडे अच्छा, इसमें गैस हम यूज हुआ है क्या टुडे में? अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इसमें हमने शायद ये फ्रीज करना भूल गए थे। C2 को, C2 हमारा फिक्स होगा,
और जहां जहां C2 है वहां वहां फीस करना पड़ेगा। बुरी जगह था। डैशबोर्ड में आपको क्लियर चल रखेगा मंथ ईयर। और आपको यहाँ इन चार में हटा देते हैं, यहाँ भी दिखेगा ईयर अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आपका रिपोर्ट चेंज हो रहा है। तो आज की डैशबोर्ड की पहली पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। अगली पार्ट में इसकी आगे का जो डेटा है जैसे कि चेंज कॉस्ट, अगला जो टॉपिक हमारा होगा चेंज कॉस्ट के ऊपर होगा वो हम करेंगे। तो ये वीडियो हम आपके साथ कल लॉन्च करेंगे क्योंकि तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा देर में नहीं बनता है क्योंकि तो समझा समझा के बनाना होता है, तो थोड़ा देर में नहीं बनता है। तो अगली क्लास में हम आपको चेंज कॉस्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे साथ इसी तरह की डैशबोर्ड वीवीएम मैक्रो एक्सेल एक्सेल की क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।